ड्रैगन फ्रूट रवा केसरी। मरकापुर नाम के गांव में अनिल, निखिल, मुकुल नाम के तीन दोस्त रहते थे। पढ़ाई पूरी करके तीनों ने बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें कहीं पर भी नौकरी नहीं मिली। वे तंग आ गए थे। उनका मिलिंद नाम का एक दोस्त था। वो ठीक इंसान नहीं था। हमेशा उन तीनों को कुछ ना कुछ कहकर, अपमान करके, बेइज्जती करके उन्हें सताता रहता था। एक बार तीनों मिलकर उसे मारने की भी कोशिश किए। एक दिन अखिल, दोस्त अब हमें नौकरी नहीं मिलेगी, ये बात तो समझ आ गई है, अब क्या करें? यूं पूछा निखिल। हाँ रे, कोई तो व्यापार करने की सोचे, तो हमारे पास उतने पैसे भी तो नहीं है। यूं कहा मुकुल। जब अवकाश नहीं होता है तो हमें ही अवकाश पैदा करना होगा दोस्तों, इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। कहते ही वही मौजूद मिलिंद। खाने के वादे हैं, लेकिन बात तो बड़े बड़े कर लेते हो। क्या है बताओ भाई, तुम्हारा बनाया अवकाश बताओ बताओ। यूं कहा मजाक उड़ाते हुए मुकुल उसे एक मारकर। रे बेवकूफ कही के, बोलने पर भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम्हारा पिता की कमाई पर जीने वाले तुम्हें क्या समझ आएगा। दोस्तों इसकी बात पर गौर मत करो, जैसे मैं कहता हूँ वैसे करो। हम एक YouTube चैनल शुरू करते हैं, अलग अलग प्रकार के पकवान बनाकर वो सब वीडियोस डालेंगे। पूरे पकवान बनने के बाद वो सब ले जाकर वृद्धाश्रम में बांट देंगे। इससे हमारा चैनल पर लोगों के सेंटिमेंट्स भी बढ़ जाएंगे, तो जरूर सक्सेस होगा। क्या कहते हो? यूं कहा अखिल। सुपर आइडिया सर जी, अब देर किस बात की, मेरे चैन बेचकर रेशन बर्तन खरीद लेते हैं। यूं कहा मिलिंद मन में। अरे मुझे मारोगे तुम लोग, तुम्हारा YouTube चैनल कैसे ऊपर आएगा मैं भी देखता हूँ। यूं सोचा अखिल निखिल वहाँ गांव के बाहर एक बड़े बकरी को मसाला सब लगाकर पकाने लगे। मुकुल वीडियो निकालने लगा, फिर उसके टुकड़े टुकड़े किए। उन टुकड़ों को गांव के वृद्धाश्रम में बांट रहे थे, तो मुकुल वीडियो निकाल रहा था। फिर तीनों मिलकर उसे अपलोड किए। ऐसे गांव के बाहर अलग अलग प्रकार के पकवान बनाकर उन्हें वृद्धाश्रम में बांटकर अपलोड करने लगे। कुछ महीने यूं ही बीत गए। आखिरकार वो चैनल हिट हो गया, उन्हें पैसे भी आने लगे। पैसे बांटकर तीनों खुशी से रहने लगे। गांव में सब उनकी प्रशंसा कर रहे थे, तो वो देखकर मिलिंद को जलन होने लगी। वो मन में, जैसे इन्होंने कहा इन लोगों की तो तरक्की होने लगी, छी छी इनकी तरक्की मैं नहीं देख पा रहा हूँ, इन्हें किसी तरह गिराना ही होगा। यूं सोचा। एक दिन तीनों ड्रैगन फ्रूट पुट्टी में डालकर जंगल की ओर आए। वहाँ मुकुल वीडियो निकालते हुए, दोस्तों आज हम अलग पकवान यानी ड्रैगन फ्रूट से रवा केसरी बनाने वाले हैं, वो देखकर आपको अच्छा लगेगा ये आशा करते हैं, कहकर अखिल निखिल मिलकर ड्रैगन फ्रूट से रवा केसरी बनाते हुए मुकुल ने वीडियो निकालने लगा। फिर तीनों जब दूसरा सेल्फी वीडियो ले रहे थे, तो चोरी छिपे मिलिंद आकर उस रवा केसरी में कोई दवाई मिला दिया। फिर तीनों वो रवा केसरी को ले जाकर वृद्धाश्रम गए। वहाँ बूढ़े लोग खाने के लिए बैठे थे। दूर से क्या होने वाला है वो देखने मिलिंद भी वहीं दूर पर खड़ा हुआ था। इतने में दो पुलिस वाले उसके पीछे आकर उसके कंधों पर हाथ रखे। पीछे पलटकर उन्हें देखकर मिलिंद घबरा गया। पुलिस वाले, क्यों भाई ऐसे दूर खड़े होकर क्या देख रहे हो, इसमें क्या है, तुम पूछोगे तो वो जो बनाए तुम्हें भी तो देंगे, चलो हम खिलाते हैं। यूं कहा मिलिंद। अरे अरे अरे, रहने दीजिए सर, रहने दीजिए सर, सर मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, अगर आपको चाहिए तो जाकर खा लो। यूं कह रहा था कि दूसरा पुलिस वाला, अरे आओ भाई आओ, इतना क्यों शर्मा रहे हो, चलो चलो, कहकर उसे खींच कर ले गए। फिर जबरदस्ती उसे वहाँ बिठा कर, अखिल बेटा बेचारा इससे भी रवा केसरी खाने का मन है कह रहा है, जरा डालिए ना। यूं पुलिस वाले ने कहा। अखिल, वो हमारा दोस्त ही है जी, क्यों रे हमें ही सीधा पूछ सकते हो ना रे, रिकमेंडेशन क्यों चाहिए, अरे इसे थोड़ा रवा केसरी परोसो। यूं कहा। तब निखिल उसे रवा केसरी परोसा। मिलिंद, मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, भूख नहीं है। यूं कहा तो पुलिस वाला, क्यों भाई इतना क्यों शर्मा रहे हो, तुम्हारे ही तो दोस्त है, रुको हम ही खिलाते हैं, कहकर पुलिस दोनों मिलकर उसे जबरदस्ती रवा केसरी खिला रहे थे। तब मिलिंद, अरे नहीं चाहिए कह रहा हूँ ना, उसमें पेट दर्द की दवाई मिलाया है मैंने, मैं नहीं खाऊंगा। यूं जोर से चिल्लाकर कहा।
बस फिर सब उसे पकड़ कर खूब मारे। अखिल, तुम्हारे बारे में हम जानते हैं रे कमीने, हम सब जब सेल्फी वीडियो ले रहे थे तो पीछे से तुम आकर दवाई मिलाया, ये सब हमने देख लिया। तुम्हें सबक सिखाने के लिए ही पुलिस वालों को आने के लिए बुलाए। यूं कहा फिर मिलिंद को जेल में डाल दिया गया।